हेलो नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं एलविज न्यू मूवी अपडेट्स बिग बॉस को कुछ कंटेस्टेंट uh, एक ऐसी गेम समझते हैं जिसमें सिर्फ हमें टीवी में देखना है लेकिन लास्ट तक वो कंटेस्टेंट विजेता नहीं बनते टीवी में ज़रूर दिखते हैं कुछ कंटेस्टेंट गेम इस तरह से खेलते हैं आप जिसे कह सकते हैं शार्प वे में जिन्हें लगता है कि मैं किसी भी तरह से बातों को उल्टाऊँगी फुलटाऊँगी या उल्टा हूँगा लाऊंगा और लोगों को पता नहीं चलेगा कुछ लोग गेम में आगे बढ़ने के लिए प्यार भरे नुस्खे भी आजमाते बिग बॉस की स्टार्टिंग में यह ज़रूर लगा कि यह सीज़न ज़बरदस्त हिट होगा लेकिन उसके बाद इस सीज़न में भी थोड़ा ठंडक पड़ गई सभी अपनी इमेज को लेकर के कॉन्शियस हो गए सभी ने अपनी दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ अपने मतलब के हिसाब से की यहाँ पे अभी हमें देखने को मिला है कि ये लोग राखी के घर के अंदर आने के बाद थोड़े से चिंता में दिखाई दे रहे हैं थोड़ी सी इनकी अब जबान भी खुलनी शुरू हो चुकी है लेकिन यहाँ पे अब दिख रहा है कि लोग कहना शुरू कर रहे हैं हाल ही में हमने ये भी देखा कि तेजा उमर और अगर हम बात करें करण की तीनों एक ही ग्रुप में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं लेकिन अब जैसा पहले होता था कि उम्र रियाज बातें सुनते थे अगर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे लेकिन उम्र ने अब रिएक्ट करना शुरू कर दिया है चाहे वो करण हो चाहे वो तेजा हो या फिर कोई और हो राखी ने तो हाल ही में कहा था कि भाई जब टॉट मारा गया आ, प्रतीक को कि भाई वो तो मौसम की तरह रंग बदलता है तो कहीं ना कहीं राखी ने उमर को टॉट मारा कि तुम्हारे जैसे मौसम जो है काफ़ी आएंगे तो उमर ने भी एक ज़बरदस्त रिप्लाई दिया था राखी को उन्होंने कहा था कि भाई मैं मेरा एक ही मौसम है और वह है गर्मी मैं कभी भी मौके के अनुसार रंग नहीं बदलता ये जवाब राखी को दिया था अगर हम तेजा की बात करें तो तेजा को भी कड़क जवाब उन्होंने दिए कभी ऐसा होता है कि तेजा लड़ने भिड़ने लग जाती है अगर हम बात करें प्रतीक से और कभी ऐसा होता है कि वो इतनी अच्छी दोस्त बन जाती है हाल ही में भी यही देखने को मिला कि जब किचन एरिया में थोड़ी बहुत बातें यार कमेंट चल रही थी आ, उमर और प्रतीक के बीच तो बीच में तेजा भी बोल रही थी और कहीं ना कहीं साथ देती हुई नज़र आ रही थी प्रतीक का उस समय भी उमर ऐसा नहीं है कि चुप रहे है या फिर उन्होंने बात घुमा दी या हटा दी उन्होंने सीधा और सीधा जवाब दे दिया तेजस्वी को और कहा कि तुम ऐसे मत पलटो तुम कभी कहती हो दोस्त दोस्त तो कभी मेरी अगेंस्ट हो जाती हो ये तुम्हारी दोस्ती का पता चलता है कि जब तुम पे मुसीबत आती है तो तुम किस तरह से चेंज होती हो तो ये साफ दिख रहा है कि उमर रियाज अब फुल फॉर्म में कहीं ना कहीं आ चुके हैं अब चाहे वो कोई भी हो अगर जासूसी दिखाएगा अगर अपना कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलाएगा तो रिप्लाई तो मिलेगा और उमर रियाज वो रिप्लाई देना भी शुरू कर चुके हैं पहले आपको क्या है कहना इस दोस्ती के बारे में जो कि करण उमर और तेजस्वी के बीच में है जो कि अब कहीं ना कहीं एक टूटती हुई सी दिखाई दे रही है खासकर उमर और तेजस्वी के बीच लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद